हरियाणा में रोजाना सैकड़ों कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां पर आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है, तो ऐसे में हालांकि खट्टर सरकार की तरफ से लगातार आज भी बैठकें की जा रही है कि किस तरीके की व्यवस्था की जाए, प्रबंध किए जाए, ताकि ये जो संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं इन्हें नियंत्रित किया जा सके। लेकिन विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके से 10,000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं, इस वक्त 1,100 के करीब आंकड़े हैं, जिसमें 160 मौतें हो चुकी हैं। और कुल मिला के अगर हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में 4,500 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक पाए गए हैं, जिसमें 69 मौतें गुरुग्राम में ही हुई है। तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम दिल्ली से सटा है, तो दिल्ली में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं उसमें इस तरीके की व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो संक्रमण है वो बढ़े ना, क्योंकि लोगों का लगातार आना जारी है और आवाजाही लगातार हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ जो दिल्ली के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो आंकड़े हैं गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कैमरामैन शरद के साथ सुराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।